बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शुरू होगा। पूरे भारत मंडपम को बड़े होर्डिंग पोस्टरों से सजाया गया है। पोस्टरों में मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। श्री राम मंदिर को लगभग हर पोस्टर में जगह दी गई है। अधिवेशन की थीम लाइन है एक बार फिर से मोदी सरकार। अधिवेशन की औपचारिक शुरुआत आज सुबह 9:30 बजे पदाधिकारियों की बैठक से होगी। 9:30 बजे से 12 बजे तक पदाधिकारियों की बैठक चलेगी। उसके बाद 3 बजे अधिवेशन की बैठक का शुभारंभ होगा, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा करेंगे। भारत मंडपम में ठीक अधिवेशन हॉल 14 नंबर के बाहर एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों के सिलसिलेवार अंकित किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी विकास भदौरिया के पास। विकास, बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है, क्या है कार्यक्रम और क्या गर्माहट जोश की खबर सुन रहे हैं? देखिए बिल्कुल विमल, 9:30 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें 2 दिन की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है बीजेपी की, उसका एजेंडा सेट होगा। यानी कि पूरा कार्यक्रम जो है वो निश्चित किया जाएगा कि कितने बजे इस कार्यक्रम में अध्यक्ष का भाषण होगा। हालांकि लगभग सब कुछ तय होता है, लेकिन पदाधिकारी बैठक में इस पर मुहर लगती है, ताकि आखिरी वक्त पे अगर कोई बदलाव करना पड़े तो उसके लिए वहां पर सभी पदाधिकारी मौजूद हों और सबको इसकी जानकारी हो, क्योंकि इन्हीं पदाधिकारियों की देखरेख में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। अब एजेंडे की बात कर लेते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक राष्ट्रीय परिषद में 11,000 से ज्यादा नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें जो पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष तक स्तर तक के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, तो इस तरह से ये आंकड़ा जो है 11,000 के पार चला जाता है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पूरी का पूरा बीजेपी का काडर एक लाइन पर हो, एक संदेश के साथ चुनाव मैदान में उतरे, उसकी कोशिश होती है। इसलिए इस बैठक को बुलाया गया है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण होगा और तकरीबन 3 बजे जब बैठक शुरू होगी तो बैठक की शुरुआत अध्यक्षीय भाषण से होगी। और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण के बाद आज एक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। 2 तरह के प्रस्ताव आने वाले हैं, एक राजनीतिक प्रस्ताव, दूसरा आर्थिक प्रस्ताव। राजनीतिक प्रस्ताव में जो पिछले 4-5 साल की सरकार की उपलब्धियां उनको गिनाया जाएगा और साथ ही साथ जो इस साल की उपलब्धियां हैं, मसलन G20 से लेकर राम मंदिर का उद्घाटन, वो सब इस राजनीतिक प्रस्ताव का हिस्सा होंगे। जबकि एक आर्थिक प्रस्ताव कल आएगा और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी जब पदाधिकारी और जिला स्तर तक के नेता होंगे तो उस वक्त खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समापन भाषण होगा वो कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा, ताकि वो जब चुनाव मैदान में उतरे तो पूरी ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ उतरे। विकास, क्या ये भी माना जाए कि चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की बोर्ड एग्जाम से पहले जो होता है आखिरी अहम बैठक है ये? जी हाँ बिल्कुल, ये आखिरी अहम बैठक है और ये सबसे बड़ी बैठक है जो पार्टी के स्तर पर होती है, बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। इस बैठक के बाद ही जिसको कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जाने का शंखनाद इस भारत मंडपम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे।